दुनिया में 105-6 ईसाई देश है, एक भी ईसाई देश ने आज तक इन तीनों देशों को कहा स्टॉप अपने माइनॉरिटी पर अत्याचार बंद करो। किसी एक ईसाई देश ने कहा कि अगर वह माइनॉरिटी पर जुल्म होंगे तो हमारा दरवाज़ा खुला है, हम उसको पनाह देंगे और नागरिकता भी देंगे। सबने दरवाजे बंद कर लिए और सब भारत को नसीहत देते हैं और हम भी इतने निकम्मे हैं, अपने भारत के अच्छाई को भी नसीहत देने के लिए बदनाम करने में लग गए। वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ एंटी नेशन एंटी भारत, किस खुशी में जी रहे। एक ईसाई देश का बता दो, यहाँ पंजाब में या चंडीगढ़ में किसी एक ईसाई से छोटी सी बात हो जाए तो अमरीका इतना हल्ला मचाता है, दुनिया में मानवता खतरे में। और आज इन तीनों देशों के अंदर चर्च गिर रहे हैं, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, ईसाई का कत्ले हमारा, तो अमेरिका चुप क्यों है? ये ईसाई ईसाइयत वाले नहीं लगे? इंग्लैंड चुप क्यों है? फ्रांस चुप क्यों है? और छोटे देश नहीं, 105 से अधिक देश है ना। आप एक देखिए, दुनिया में 54 मुस्लिम मेजोरिटी देश हैं, किसी एक मुस्लिम देश ने यह कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश स्टॉप, ये अत्याचार नहीं चलेंगे मुसलमानों पर। बाकी माइनॉरिटी की नहीं कर लेते, अपनी माइनॉरिटी की तो कर लेते हैं। और किसी ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दी है, अगर वहां पर मुसलमानों पर जुल्म है, भारत करे ना करे, हम अपना दरवाजा खोलते हैं, उनको पनाह भी देंगे, नागरिकता भी देंगे, जीने के सब रास्ते भी देंगे। किसी एक मुस्लिम देश ने इस बात की आवाज उठाई? सिखों पर जुल्म है, देश में इतनी बड़ी सिखी है, किन 20 गुरुद्वारों ने यह कहा कि हमारे सिखों पर अत्याचार के लिए हमारा दरवाजा खुला है, सरकार खोले नहीं खोले हमारा खुला है। तो क्या आप सिखों पर जुल्म होने देने के लिए गुरुद्वारे जाएंगे? 40 से अधिक बौद्ध देश है, एक बौद्ध देश ने नहीं कहा। और सब भारत को नसीहत दे रहे हैं कि तुम दो, तो भी भारत ने कह दिया हम मुस्लिम माइनॉरिटी पर भी जुल्म है अगर देते हैं। उन्होंने आंकड़ा भी दे दिया, 600 से अधिक परिवारों को हमने दे दी है, और उन दिनों में भी बहस चलते भी उन्होंने कुछ परिवारों को दी, फिर भी ये शोर क्यों? जबकि देश में ये होना चाहिए था, CAA ने नागरिकता और दी है, वो सरकार जिसको एंटी माइनॉरिटी कहता है, वो सरकार आज के युग के अंदर वो सरकार थी जिसने माइनॉरिटी पर जुल्म होने के लिए जो भी हमारा बजट पर बोझ आएगा हम सब स्वीकार करेंगे, ये है। इसलिए दिस इज़ द ओनली गवर्नमेंट विच स्टैंड्स प्रो माइनॉरिटी, ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर एंटी माइनॉरिटी। इसलिए जो CAA का विरोध कर रहा है वह ये चाहता है कि लोगों पर जुल्म सरकारें करती रहें और हम उनको कोई आश्रय नहीं देंगे, और ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर, ऐसी डर्टी रिलीजियसलिज्म के अंदर किस लिए जीना है, इन गुनाहों को करना किस लिए, इन गुनाहों की जरूरत क्या है? क्या गुनाहगार होने के लिए हमने भारत में जन्म लिया था, या गुनाहों से मुक्ति के लिए हम भारत में आए थे? भारत को गुनाहों से मुक्त करेंगे, दुनिया को भी गुनाहों से मुक्त करेंगे, क्या इसके लिए आए थे हम? तो एक ने भी आज तक नहीं बोला, भारत नहीं कहा, तो देश में नारे ये लगना चाहिए था, आज की सरकार जिसको एंटी माइनॉरिटी कहता है वही एक प्रो माइनॉरिटी है, इसलिए भारत की प्रो माइनॉरिटी सरकार को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये कहने में क्या तकलीफ थी साहब, ये कहने में क्या तकलीफ थी? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की मुस्लिम मेजोरिटी सरकारें अत्याचारी हैं, अत्याचारी हैं, अत्याचारी हैं, शर्म करो शर्म करो शर्म करो, ये कहने में क्या तकलीफ थी?